में किया हमला, बोले लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एटा में सीएम अखिलेश यादव का पावर शो, 1320 मेगावाट की परियोजना समेत 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की बड़ी मुश्किलें, स्टिंग मामले में सीबीआई ने भेजा समन, 26 दिसंबर को हरीश रावत को पूछताछ के लिए किया तलब। लखनऊ के ककरैल पुल के पास नाले में मिले पुराने 1,000 और 500 के नोट, पुलिस ने बरामद किए करीब 7,500 रुपए। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों का पर्दाफाश, इलाके में की जा रही है नकली तेल की सप्लाई, मोटी कमाई के लिए मिलावटखोर कर रहे हैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में और 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं जब्बार खान। नोटबंदी से आम लोग तो परेशान ही हैं, इसका असर अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ा है तो है कालाधन वाले लोग। अब ये लोग अपना काला धन तो बैंक में जमा तो नहीं करा सकते, पुराने नोट जो सरकार ने बंद कर दिए हैं उनके या तो जला दिया जाता है उनको या फिर नाले में फेंक दिया जाता है, जिसकी वानगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, जहां नए कुकरैल पुल के पास नाले में बड़ी तादाद में पुराने नोट मिलने से सनसनी फैल गई। वैसे तो समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलती है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के हर उस शख्स का जो इस पार्टी से जुड़ा है। लेकिन समाजवादी सरकार की राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना की जमीनी हकीकत क्या है, यह आपको इस गांव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग रहा होगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर यहां के लोगों की परेशानियां क्या है। इस गांव का नाम है बिहारीपुर, जो फिरोजाबाद जिले की मोहम्मदपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहां न तो सड़क है, न नाली है, बिजली कभी आती नहीं और पानी मिला नहीं। लेकिन कच्ची सड़कों के गड्ढे और पानी वो मिलेगा जो कच्ची सड़कों के गड्ढों में भरा हुआ है। सिर्फ यही परेशानियां नहीं है, बाकी की परेशानियां भी आप खुद इन गांव वालों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे करीबन 2 किलोमीटर दूर स्कूल है और यहाँ पढ़ने की व्यवस्था बिल्कुल भंग है। गली खरंजा यहाँ साफ नहीं है, बिल्कुल हर प्रकार से व्यवस्था भंग है। यहाँ के आवास वगैरह भी जो है उन लोगों को जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला, जो अपात्र हैं उनको मिला है, पैसे वालों को मिला। सोरन सिंह नाम है मेरा। हमें पानी समस्या से आ रहा, हमें यहाँ से पानी और रोड पार करके वहाँ पल्ली तरफ नल से भर के लाते हम पानी, और पानी कही जब हमारी गाड़ी पंट पंट गई है यहाँ पे ठंडी में, और सर रोड भी कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे, आत लग रही नहीं है। हमको आवाज चाहिए और मेरा पेंशन बन गया, पति भी विकलांग है, हम भी विकलांग है, हमें आवाज नहीं मिला है ना ही पेंशन मिलता है। दो लड़की है। अब जरा इनकी भी सुनिए। ये हैं फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ साहब प्रभांशु श्रीवास्तव, जो सरकार की ओर से योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन सीडीओ साहब ने तो न जाने कितनी व्यवस्थाएं गिना दी जो इस गांव को दी जा रही हैं, लेकिन ये कब दी गई और कहां दी गई ये न तो गाँव वालों को दिख रही है और न ही हमें। ये जिस गाँव का नाम आपने लिया है पिछले साल का लोहिया समग्र गांव में चयनित गांव है, जो लोहिया समग्र गांव की जो स्कीम्स हैं वो इस गांव में लागू हैं। इसमें पात्र लाभार्थियों को लोहिया आवास, गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था है, संपर्क मार्ग का निर्माण है, आंतरिक गलियों के सीसी रोड का निर्माण है, तालाब की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, बच्चों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, लैपटॉप के लाभार्थी अगर हैं उनको लैपटॉप वितरण की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, समाजवादी पेंशन योजना की व्यवस्था है। गवर्नमेंट जितने स्कीम्स हैं ज़्यादातर उनका कन्वर्जेंस विशेष रूप से इन गाँव के लिए है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ताबड़तोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जो आम लोगों तक पहुंच ही न पाए, फिर भी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। आखिर किसके लिए, जब पुरानी योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। फिरोजाबाद से अनिल शर्मा, प्राइम न्यूज। ये बेहतर होगा कि अखिलेश यादव धरातल पर उनकी अपनी स्कीम को आकर के देखें कि इनकी जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन अब बात मिलावटखोरी की। मिलावटखोरी कारोबार में मुनाफा कमाने का और तेजी से कुबेर बनने का आसान फार्मूला बन गया है। पूरे देश में मिलावटखोरी एक नासूर बनकर उभरा है, जो सीधे सीधे आवाम की सेहत पर सीधा हमला है। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। नक्कालों से सावधान, मुनाफाखोरी का जहरीला धंधा। कारोबारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोरी कर रहे हैं, इसकी पड़ताल की प्राइम न्यूज की टीम ने। प्राइम न्यूज को पहले से इसकी भनक लग रही थी, जिसकी पड़ताल करने पहुंच गए हम प्रतापगढ़ के लालगंज। यहां के रायपुर तियाई गांव में ये वो राइस मिल है जिसमें चलता है मिलावटखोरी का काला कारोबार। प्राइम न्यूज की टीम राइस मिल के अंदर पहुंची तो भीतर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। हमारे कैमरे में कैद हुई मिलावटखोरी की हर वो तस्वीर जो सीधे आपकी जेब और सेहत दोनों पर हमला करती है। अर्जुन जायसवाल की इस मील में नकली तेल बनाने का काम होता है। हमारे कैमरे में मौत का सामान तैयार होती ये तस्वीरें कैद हुई हैं। अर्जुन जायसवाल इस फैक्ट्री में अप्रमाणित तेलों में रसायन और रंग मिलाकर तेल बनाता पकड़ा गया। इसे सरसों का तेल बनाकर आसपास के कई जिलों में बेचा जाता है। इस जहरीले तेल का असर सीधे किडनी और हार्ट पर पड़ता है और लीवर तो उससे पहले खराब हो जाता है। फैक्ट्री में नामी कंपनियों के डिब्बे और रैपर मिले, जिससे ये साबित होता है कि नामी कंपनियों के लेबल लगाकर नकली तेल को बेचा जा रहा है। नकली तेल फैक्ट्री, सरसों का तेल बनाने का खेल। अब पता यह भी चला है कि आसपास के कई और जगहों पर नकली तेल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन का मुंह बंद है और कदम कभी इस ओर बढ़े नहीं। मतलब साफ है कि उनकी सरपरस्ती मिली हुई है, क्योंकि नियत ही साफ न हो तो कानून कितने भी कड़े क्यों न कर दिए जाएं, जुर्म करने वाले बचकर निकल ही जाते हैं। बेहतर होगा अब जनता ही खुद जागरूक हो, ब्रांड के नाम पर आंखें बंद करके खरीदारी करने की गलती न करे। प्रतापगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज। और उधर मेरठ की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से नए नोटों की खेप बरामद की है। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ की सूचना पर मोहन पूरे इलाके से इन चार आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से नई करेंसी के कुल 8,40,000 रुपए बरामद हुए। ये लोग इन नए नोट कहां से लेकर के आए और इनका सोर्स क्या है, पुलिस और एसटीएफ इस बात की जांच कर रही है। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है कि जल्द ही इन नोटों के पीछे का सच सामने आने का दावा भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी के पूर्व पार्षद के भाइयों पर छेड़खानी का आरोप लगा है। पार्षद के भाई और उनके दोस्त पिछले कई दिनों से स्कूल और कोचिंग जाने वाली लड़कियों को परेशान कर रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस और पार्षद से भी की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि उल्टा पुलिस और भाजपा नेता ने पीड़ित परिजनों को डरा धमका करके मामला दबा दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी के पूर्व पार्षद के भाइयों की गुंडई से स्कूल और कोचिंग जाने वाली लड़कियां परेशान हैं। हद तब हो गई जब एक छात्रा अपने भाई के साथ कोचिंग से घर आ रही थी। रास्ते में पहले से बैठे बीजेपी पार्षद गुड्डा के भाई
और दोस्तों ने लड़की को घसीट लिया और सरेआम बदतमीजी करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके भाई को पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। छात्रा के शोर मचाने पर इलाके के लोगों ने बदमाशों को खदेड़ा और छात्रा की जान बचाई, जिसके बाद गुस्सा स्थानीय लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू किया। इलाके के लोगों का कहना है कि पुलिस और गुंडे मिले हुए हैं, जिनकी वजह से लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। पुलिस बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस काम कर रही होती तो मनमर्द लोग चौराहे पे कैसे बैठते हैं? चौराहे के अगल बगल जहां स्कूल्स हैं, ट्यूशन्स हैं, वहां पे पुलिस शाम के टाइम, सुबह के टाइम जब ट्यूशन होती कभी तो वहां की गश्त लगाए और इस तरीके के लोगों को पकड़े। और इससे पूर्व भी इन्हीं लड़कों के साथ किसी की मारपीट हुई होगी, उसकी उन लोगों ने कंप्लेंट की तो पुलिस ने समझौता करा दिया। तो यानी पुलिस का समझौता कि कोई मशीनरी है या पुलिस कानून की मशीनरी है। राहुल, कमल, आकाश और वीरेंद्र, ये चारों लड़के जो है चुंगी यहाँ से जो है पीछा करते हुए गए और वहाँ जो है डॉक्टर बंगाली जो रोड पे जब पहुंचे मकान के पास, वही पास में जो है ठाकुर जो है इनका पुत्र सिंह की जो है अरहर की खेत वगैरह है, वहीं पे विशाल को धक्का दे दिया और लड़की को जो है खींच के अरहर ले जाने लगे। दूसरे शोर मचाया, दोनों ने शोर मचाया। मेरा भाई राजपाल पांडे वही है, पास में है, वो दौड़ के आया। मोहल्ले के और भी लोग दौड़ के आ गए। प्रमोद जो जिसकी लड़की थी, मेरा भाई है प्रमोद पांडे, वो और उसकी पत्नी, वो भी दौड़ के मौके पे आ गए और ये सब आकर के राहुल को पकड़ लिया कि गुड्डा को पकड़ के ले गए हैं। गुड्डा अपने लड़कों को बुलाएं जो नामजद हैं, गिरफ्तारी हो उनकी, हम लोग चले जाएंगे। हालात को बिगड़ते देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीजेपी के पूर्व पार्षद को हिरासत में लेकर उसके भाइयों और दोस्तों की गिरफ्तारी तेज कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कई शिकायतों के बाद भी पुलिस क्यों सोती रहती है? क्या उन्हें किसी अनहोनी घटना का इंतजार रहता है? रोहित मिश्रा, प्राइम न्यूज, सीतापुर। और इस वक्त कानपुर देहात से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस महकमे के अंदर भारी फेरबदल किया गया है, कई सारे ट्रांसफर किए गए हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया गया है, कानपुर देहात की ये खबर। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के कवायद के तौर पर 5 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर देहात से है। बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के कवायद के तौर पर 5 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर्स का तबादला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बड़ा फेरबदल किया है, कई सारे पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। कानपुर देहात में ये तबादला हुआ है। बताया ऐसा जा रहा है कि कानपुर के अंदर कानून व्यवस्था में बेहतरी लाने के लिए ये तबादला किया गया है। 5 इंस्पेक्टर्स और 19 सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है। दरअसल तबादले जो होते हैं वो कई सारी वजहों की वजह से होते हैं। कई बार रूटीन ट्रांसफर होता है और कई बार इलाके की बेहतरी या निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए चाको चौबंद जो होती है व्यवस्था के अंदर, उसको और चुस्त दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो खबरें प्राइम न्यूज़ को मिल रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं कानपुर देहात के अंदर, वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर किए गए हैं। और इस ट्रांसफर के जरिए 5 पुलिस इंस्पेक्टर्स को और 19 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से इस वक्त की एक बड़ी खबर। हालांकि ट्रांसफर्स, तबादले अक्सर होते रहते हैं रियासत के अंदर, सूबे के अंदर, राज्यों के अंदर, सभी राज्यों के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि एक रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन इस ट्रांसफर का मकसद जो कानपुर देहात में किया गया है, उसका फिलहाल छनछन के जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कानून व्यवस्था को और बेहतर करने वहां पर और चुस्त दुरुस्त करने, चाको चौबंद को बढ़ाने के मद्देनजर ये ट्रांसफर किए गए हैं। और इस ट्रांसफर में 5 इंस्पेक्टर्स और 19 पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स के तबादले
किए गए हैं। रमाकांत हमारे संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रमाकांत, ये ट्रांसफर रूटीन है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 24 लोगों को ट्रांसफर किए, जिसमें 5 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल है जी। क्योंकि अभी जनपद में काफी स्तर से जो है घटनाएं हो रही है, तो कई चोरी हुई, इनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो पुलिस के लिए सरदर्द बने हैं, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक ने काफी तत्परता दिखाते हुए 24 लोगों को ट्रांसफर किए। ये जो ट्रांसफर हुए हैं रमाकांत, इनको किस सेक्शन में डाला गया है? आगे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है या इन्हीं पोस्ट पर इनको रखा गया है? मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने किया है, तो जाहिर है कि कानपुर देहात में ही अगर किसी को सेल प्रभारी बनाया गया, तो किसी को सर्विलांस में अटैच किया गया, तो किसी को थाने की प्रभार सौंपा गया है। और जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था सही तौर पर नहीं चल पा रही थी, चरमरा रही थी, लोगों की शिकायतें थी, और उसके मद्देनजर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये स्टेप लिया गया, क्या वो वजह थी? आपको बता दूं जी, बिल्कुल बता दूं कि ये पुलिस ने नया पैतरा खेला है। पुलिस अधीक्षक ने शायद इस स्तर से कुछ कानून में सुधार आए, जिसको लेकर इन्होंने इतने भारी फेरबदल किए गए। चलिए रमाकांत गुप्ता, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे कानपुर देहात के संवाददाता बता रहे थे कि भारी फेरबदल जो हुआ है कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए, चूंकि बीते दिनों में कई सारी घटनाएं ऐसी थी जिनको सॉल्व कर पाने में कहीं ना कहीं ये जो इस वक्त का तंत्र सिस्टम था वो कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसी के मद्देनजर ये बड़े फेरबदल कानपुर देहात के अंदर पुलिस के अंदर किए गए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। यहां कोई नहीं, पर मैं अकेली भी नहीं और ना ही कमजोर, क्योंकि मेरे पास है ताकत, ताकत आधुनिक कंट्रोल सेंटर की। प्रशिक्षित पुलिस फोर्स की, हजारों पुलिस रिस्पांस वाहनों की, ताकत अति शीघ्र मदद की। और ये ताकत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की है, हम सब की सुरक्षा की, बस एक बटन दबाने भर से। यूपी 100, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। टेस्ट सीरीज जीत कर टीम इंडिया ने लिया बदला, अब वनडे में भी होंगे अंग्रेज, चारों खाने चित। क्या है धोनी का विराट प्लान? देखिए शाम 5:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश के नेतागण भाषण देने में व्यस्त हैं, देश के अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर विधान भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का क्या फायदा जब किसानों की समस्या का हल निकल नहीं पा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह की जयंती और किसान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चुनाव होने के कारण किसान दिवस पर सियासी रंग भी चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको याद भी किया, लेकिन सवाल तो ये है कि जिन चरणों से गुजरते हुए मुलायम सिंह यादव से लेकर देश की राजनीति में दखल रखने वाले तमाम दिग्गज नेताओं ने खुद को चमकाया,
वो आज के दौर में खुद को किसानों का हितैषी तो बताते हैं, लेकिन किसानों की बदहाली को दूर करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। बात देश के किसी भी हिस्से की क्यों न हो, महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड तक किसानों की बदहाली किसी से भी छिपी नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक साल 1995 से लेकर 2013 तक देश में 296,438 किसानों ने आत्महत्या कर ली और साल 2014 में 5,650 किसानों ने खुदकुशी की थी। यानी हमारे देश में औसतन करीब हर 2 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, यानी हर 2 घंटे में 3 बार जय जवान जय किसान के नारे की मौत होती है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असली तस्वीर इससे कई गुना ज्यादा भयानक हो सकती है। लेकिन इससे भी भयानक वो वजह हैं जो किसानों को खुदकुशी करने के लिए उकसाती हैं। दिसंबर 2014 में जारी हुई NSSO की रिपोर्ट बताती है कि देश के किसान परिवारों पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज है। पिछले 10 सालों में कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों की संख्या 48.6% से बढ़कर 51.9% हो गई है। देश में आज भी 40% किसानों को कर्ज के लिए सेठों और साहूकारों के पास जाना पड़ता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साहूकार किसान परिवारों से 24-50% की दर से ब्याज वसूलते हैं। हर सरकार किसानों की जिंदगी में अच्छे दिन लाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन असलियत तो ये है कि साल 2002 और 2003 में 48% कृषि क्षेत्र सिंचित था, जो 10 वर्ष बाद साल 2013 में बढ़कर सिर्फ 50% हो पाया। यानी 10 साल में सिर्फ 2% सिंचित भूमि का ही विस्तार हुआ है, जिसकी वजह से हमारे देश के किसानों की बंजर होती जिंदगी में बदहाली के बड़े बड़े पत्थर पड़ना जारी है। इतना ही नहीं, कई बार तो सरकारी कुर्सी पर बैठे मंत्री भी ऐसे बोल बोल जाते हैं कि किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह कुरतने जैसा एहसास होता है। हाल ही में किसानों की आत्महत्या का कारण प्रेम प्रसंग और नपुंसकता बताने वाले मंत्री राधा मोहन सिंह तो आपको याद ही होंगे। खैर, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है तो जिक्र चाहे जिसका भी हो, बात मोदी की हो या फिर राहुल की या फिर बात समाजवादियों की हो, हर कोई किसानों से प्यार तो दिखाता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो किसानों के बदहाली को दूर करने की बात हर किसी की जुबान पर होती है, लेकिन काम कोई करता नहीं दिखाई देता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। काश हमारे देश के नेता जय जवान जय किसान की अहमियत को समझ पाए। बहरहाल फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया और प्रदेश की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।